हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट में। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में, एक फॉल्ट के बारे में। लोग मेरे से कमेंट पे अक्सर पूछते रहते हैं कि उनका माइक्रोवेव चलते चलते कभी बंद हो जाता है, कभी चल जाता है। तो देखिए, ऐसा बहुत वैसे तो कम होता है, लेकिन मुझे फिर भी कुछ क्वेश्चंस आए कि माइक्रोवेव चलते चलते बंद हो जाता है, खुद ही चल जाता है, खुद ही बंद हो जाता है। तो फिर भी मैंने कहा चलिए इसे कवर कर लेते हैं। आपको बहुत रेयरली ही यह समस्या देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि 7-8 लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो इस पर बना लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसे आप समझ पाएंगे। माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव चलती हैं तो इसमें सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव काफ़ी हार्म कर सकती हैं आपको। तो इसलिए इसका गेट बिल्कुल सील बंद रहता है और गेट खुले ना चलते हुए। इसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम होता है, यहाँ पे दो लिमिट स्विच दिए हुए होते हैं। एक लिमिट स्विच यहाँ है, देख पा रहे होंगे आप, एक लिमिट स्विच यहाँ है और एक लिमिट स्विच होता है नीचे में वहाँ पर। मैं थोड़ा आपको नीचे में आउट करके दिखाता हूँ। एक लिमिट स्विच होता है यहाँ पर, तो दो लिमिट स्विच ऐसे होते हैं और एक तीसरा लिमिट स्विच होता है इसके लॉक हो जाने का। यानी तीन लिमिट स्विच होते हैं और ये तीन लिमिट स्विच इस तरह लगे हुए होते हैं कि जब तक डोर पूरी तरह बंद ना हो, ये लिमिट स्विच सर्किट को ऑन नहीं करते। अब बाई चांस आपके माइक्रोवेव का डोर लूज हो जाए, यानी ये यहाँ से जाके ये इन्हें स्विचेस को ऑपरेट करता है, यहाँ पे जो होल हैं, मान लीजिए ये लूज़ हो जाए, इसमें थोड़ा गैप रहे, तो ये नहीं चलने देगा, क्योंकि रेडिएशन बाहर आएगा। रेडिएशन को रोकने के लिए इन स्विचेस की इंटरलॉकिंग ज़रूरी होती है। जब ये सब पूरी तरह लॉक कर देता है तभी माइक्रोवेव चलता है। अब होता क्या है कि डोर लूज़ हो जाता है, यानी कि ये बंद तो होता है लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होता। कभी ये पुश करता है माइक्रो स्विचेस को, जो आपके लिमिट स्विच हैं, और कभी उधर तो हट जाता है, कभी लग जाता है। तो इसके लूज़ होने पे या लिमिट स्विच के यहाँ पर लूज़ हो जाने से ये समस्या आती है। वैसे यहाँ लूजिंग की संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ लॉकिंग होती है, गेट के लूज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो गेट अगर लूज़ हो जाता है, टूट जाता है, तो उस कंडीशन में आपका माइक्रोवेव कभी चलेगा, कभी बंद होगा। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो अपने माइक्रोवेव के गेट को देखें और इसके पीछे लगे हुए लिमिट स्विच को देखें, उनके तो जो स्लॉट्स हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, जिनमें स्क्रूज में लगे हैं, वो लूज़ तो नहीं हो गए। तो अगर आप उसे रिपेयर करेंगे गेट को या जो आपके लिमिट स्विच हैं, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके माइक्रोवेव में चलते चलते बंद होने की समस्या है तो वो आपकी दूर होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।